तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंडिपेंडेंस को, जो कि आपके डीबीएमएस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर अप किया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आखिर डेटा इंडिपेंडेंस होता क्या है, तो इसको मैं सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द ability to modify a schema definition in one level without affecting a schema definition in the next higher level is called a data independence। यानी जो ability होता है modify करने का schema definition को एक level से दूसरे level में बिना किसी effect के, यानी बिना उसमें कोई प्रभाव पड़े बिना हम उसमें अगर कोई changes करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो क्या कहलाता है, data independence कहलाता है। Second point कह रहा है कि data independence help us to keep the data separated from all the programs that make use for it। यानी जो डेटा इंडिपेंडेंस है वो हमारी मदद करता है सारे प्रोग्राम्स को सेपरेट करने में। और देयर आर टू टाइप ऑफ डेटाबेस डेटा इंडिपेंडेंस, जिसमें आपका पहला आता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, सेकंड आता है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा। यानी जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो एक प्रकार का ऐसा एबिलिटी है उसके पास, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल स्कीमा को चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द कंसेप्चुअल और द एक्सटर्नल स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। यानी बिना एक्सटर्नल जो चेंजेस हैं डेटाबेस के अंदर उसको चेंज किए बिना हम उसके इंटरनल चेंजेस को कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि विदाउट द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस वन कैन क्रिएट द एडिशनल एक्सेस स्ट्रक्चर। यानी बिना फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एडिशनल एक्सेस स्ट्रक्चर को एंड चेंज द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर और डिवाइसेस विदाउट अफेक्टिंग द कंसेप्चुअल और द एक्सटर्नल स्कीमा। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज ईजी टू अचीव एज कम्पेयर टू द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। यानी जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो ईजी है एज कम्पेयर टू लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के। अगला है आपका एग्जाम्पल, इसमें कह रहा है कि ड्यू टू द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एनी ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द फिजिकल स्कीमा स्ट्रक्चर विल नॉट बी अफेक्ट द कंसेप्चुअल स्कीमा, जिसमें पहला है स्विच यूज ऑफ न्यू स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क और द मैनेजमेंट मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक टैप, और सेकेंड आपका स्विचिंग टू डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, एंड थर्ड आपका चेंजिंग द एक्सेस मेथड। उसके बाद आपका सेकंड है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग द एक्सटर्नल स्कीमा। यानी जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है एक प्रकार का एबिलिटी है चेंज करने का कंसेप्चुअल स्कीमा को बिना अफेक्ट किए बिना जो आपके एक्सटर्नल स्कीमा होते हैं उनको। अगला पॉइंट कह रहा है कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज मोर डिफिकल्ट टू अचीव देन द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। यानी जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, एंड बिकॉज द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो हमेशा डिपेंड होता है किस पे, लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर डेटाबेस स्ट्रक्चर पे। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे कह रहा है कि एडिशन ऑफ न्यू डेटा आइटम इन डेटाबेस एंड रिमूवल ऑफ और डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा आइटम्स फ्रॉम द डेटाबेस। ओके, तो यहाँ तक आई हो पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।